बाप रे, इसको इतना ऊंचा क्यों रखा? वैसे तो ऊपर हाँ कौन, आई थिंक यार रेस्ट्रो है ना, इस वजह से ऐसा ना लगे किसी को कि मुझे खांसी हो रही है। हाँ आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड मेरे सारे बेस्ट विशेज उनके साथ हैं एंड इट्स सो नाइस टू सी कि मिस मालिनी इतना ज़्यादा तरक्की कर रहा है और आई जस्ट विश देम ऑल द वेरी बेस्ट आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर टुनाइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सी किसी भी टैलेंट को मैनेज करना, उसके पीछे इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इतने सारे काम होते हैं, उसके लिए पूरी टीम लगती है। अगर आप उसे सही तरीके से यू नो इस्टेब्लिश करना चाहें तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और आई एम 100% श्योर कि मिस मालिनी इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करने वाला है एंड नो डाउट्स। शेयर करना चाहूँगी बट सब पोस्ट करूँगी तो आपको पता चल जाएगा और अभी मैंने रिसेंटली एक नया शूट किया है जिसके लिए मैं जल्दी पोस्ट करूँगी एंड बिग बॉस नो नो बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट आई ट्राइड कैचिंग अ फ्यू एपिसोड्स बट वो फोन में है ना मैंने बर्थडे ये बार इसीलिए नहीं बनाया बिकॉज यहाँ पे पहली बार मेरे डैडी यहाँ पे नहीं थे और ये मेरा ऐसा पहला बर्थडे था जब डैडी मेरे साथ नहीं थे। प्लस मैंने सोचा कि मैं जब भी पार्टी करती हूँ या जब भी कुछ सेलिब्रेट करती हूँ तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ करती हूँ, फैमिली के साथ करती हूँ, जो कभी भी पार्टी कर सकते हैं, कभी भी यू नो ऐसे मज़े कर सकते हैं। बट इट्स बेटर कि अगर आप किसी NGO के साथ या फिर ऐसे ऑर्फन बच्चों के साथ सेलिब्रेट करें जिनके लिए ऐसी पार्टीज या ऐसा कुछ भी सेलिब्रेट करना मुश्किल है। आई थिंक वो ज़्यादा डिजर्व करते हैं हमारे साथ। ये आइडिया मुझे मेरे बर्थडे के दिन ही आया, ये मैंने कुछ ऐसा पहले प्लान नहीं किया था, ये मुझे बर्थडे के दिन ही ऐसा लगा कि जल्दी से हम वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके केक कट करते हैं। किसी ने दिया नहीं, बस ये अंदर से आया। माय रिएक्शन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल आई कुडंट बिलीव एज इन सबकी तरह जिनको मैं भी बता रही थी तो वो भी सब यही बोल रहे थे क्या सच में क्या ये, एज इफ मुझे कुछ मजाक सूझा नहीं था। बट इट वॉज़ वेरी वेरी शॉकिंग। आई थिंक मुझे पता भी नहीं कि इतना ज़्यादा शौक है, इतना ज़्यादा बुरा मैंने आज से पहले कब फील किया है। आई थिंक ये साल में तो बिल्कुल भी नहीं किया और पता नहीं क्यों मैं उनसे कभी मिली नहीं थी, मैं उनको जानती नहीं थी पर्सनली। बट दिस लॉस इट फेल्ट वेरी वेरी पर्सनल, आई डोंट नो वाई एंड ऑल आई वॉज थिंकिंग वॉज कि मुझे कभी मैं मिली नहीं हूँ, उनको जानती नहीं थी, मुझे इतना बुरा लग रहा है तो उनके फ्रेंड्स और उनके फैमिली के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल हो रहा होगा इससे कोप अप करना। बट इट वॉज़ वेरी वेरी ट्रैजिक, वेरी 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 शॉकिंग।